जी जैन साहब, सुप्रभात। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, पैनलिस्ट को, सारे व्यूअर्स को और आपको दीपांशु जी को। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज सब लोग बहुत चमक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आज स्टॉक लाया हूँ जेके लक्ष्मी सीमेंट, और ऐसा कंपनी है अनिल जी, वो आपको जरूर से नॉस्टैल्जिक कर देगा। उदयपुर क्षेत्र की कंपनी है, तो आपको सर्टेनली, देखिए आज रक्षाबंधन भी है, तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि मैंने लेने के बाद ध्यान आया कि यस, उदयपुर फैक्टर इज वर्किंग वेल। और एक्सटेंडेड वीकेंड पे आप जा नहीं पाए शायद, क्योंकि काफी सारे काम रहते हैं, आपके भी एक्सटेंडेड वीकेंड है, बट फिर भी एनीवे सर, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। और देखिए ये स्टॉक बड़ा सरप्राइजिंग था, मैं जब देख रहा था मेरी लिस्ट को, तो मैंने ये स्टॉक को जेम्स में कभी रेकमेंड नहीं किया। मैंने एसपीएल मिड कैप में या हमारे रेगुलर शोज होते हैं, सीमेंट का स्टॉक की कोई भी बात होती है, तो मैंने स्टॉक को बहुत बार जिक्र किया। और अब वापस से लेने का रीजन ये है कि देखिए ये 748 रुपए के लेवल्स हाइस छूने के बाद अच्छा खासा करेक्ट जब हुआ, 465-70 के ये जो लेवल्स है, दिस लेवल्स आर एक्सीलेंट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स वैसे ही अब माहौल बन ही रहा है, और मैं इनफैक्ट काफी सीमेंट स्टॉक्स को पिछले कुछ दिनों में कवर भी किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे दिख रहा है कि उतना पेन नहीं था जितना पेन हम सोच रहे थे, और इसके रिजल्ट में भी वैसा ही दिख रहा है। तो कोल की प्राइजेस और ये सब की वजह से जो पास्ट में एक डेढ़ दो क्वार्टर इनके जो खराब गए, बट अब आने वाले दिन बहुत बढ़िया लगते हैं, और जिस तरीके का मॉनसून भी है और जो रूरल कंजम्पशन में हम देख ही रहे हैं कि इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो रूरल थीम्स में वर्क करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक पुश आना चाहिए, और सरकार का पुश तो है ही है। और ये कंपनी का मैं थोड़ा सा डिटेल्स दे दूं, जेके ग्रुप की कंपनी है और काफी पॉपुलर ब्रांड है, इनफैक्ट काफी स्ट्रांग मैनेजमेंट है, और कंपनी की कैपेसिटीज की अगर बात करूं तो 14 मिलियन टन की कैपेसिटी है कंपनी की, और कंपनी की एक सिस्टर कंपनी मैंने उदयपुर सीमेंट वर्क्स भी जेन साहब के जेम्स में थे, वो भी करीब 1.5 मेट्रिक टन, 2 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ बैठे हुए हैं। अब स्टॉक का पी मल्टीपल देखें, सिर्फ 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक वर्क कर रहा है। जनरली देखिए सीमेंट का वैसे क्राइटेरिया दूसरा होता है, और भी ईवी पर टन की वैल्यूएशंस होते हैं वो सब, बट मुझे वैल्यूएशंस और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा बहुत बढ़िया लग रहा है, और प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की 167% की, पिछले 5 साल की 65% की, इस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने दी। और ये मुझे ध्यान है अनिल जी, जब हम 2018 में जब नया शुरुआत कर रहे थे, तब से मैं ये स्टॉक को कंटिन्यूअसली रेकमेंड करते हुए, और हर बार इनफैक्ट टारगेट्स अचीव हुए। और मैं अभी देख रहा था रिजल्ट्स को, तो जून 2021 में लाजमी है कि जो रिजल्ट्स थे उससे जून 2022 का काम होना था, 131 करोड़ के सामने 111 करोड़ का पैट था, जो कि मैं बोलूंगा कि बहुत नीचे नहीं है एज कम्पेयर टू लॉट्स ऑफ अदर सीमेंट कंपनीज। और कंपनी के ऊपर भरोसा गजब का है, अगर आप देखिए FIIs और DIIs का, FIIs करीब 12.5% के लगभग होल्ड करते हैं और सब अच्छे फंड्स, और DIIs में देखें तो करीब 25%, तो इस तरीके से 38% के लगभग तो FIIs DIIs में ही है, प्रोमोटर्स करीब 47% के लगभग, और एक टाइम पे सचिन बंसल जी भी इसमें होल्ड करे थे, उनका एक्चुअली सीमेंट स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट रहा, और भी कई दूसरे सीमेंट स्टॉक्स में उन्होंने, जब उनके पास स्टार्टअप से स्टेक बेचने के बाद जब पैसे आए तो उन्होंने इसमें भी डाला था। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें, और आराम से जो टारगेट है 530-560 का दें। 530-560 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी जेके लक्ष्मी सीमेंट में, यह राय जैन साहब की।